तो मैं आपसे एक आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल डे टू डे लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं एसएससी एमटीएस 2023 के लिए जीके जीएस का सुपर फास्ट रिवीजन के तहत 20 क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चंस को करके जा रहे हैं तो आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हुए हम लोग अपने इस सेशन का शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बलबंत को दिल्ली के इनमें से किस सुल्तान के शासनकाल में वास्तविक शक्ति प्राप्त थी। ऑप्शन नंबर ए रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन नंबर बी आराम शाह, ऑप्शन नंबर सी नसीरुद्दीन महमूद शाह, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन मसमूद। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नसीरुद्दीन महमूद शाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष है। ऑप्शन नंबर ए जाम, बी अशोक, सी आम या डी बरगद। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आम। दोस्तों बिहार का राजकीय वृक्ष क्या होता है, तो बिहार का राजकीय वृक्ष होता है पिपल। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य, बी वल्भाचार्य, सी कबीर या डी रामानुज। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वल्भाचार्य। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में आरोपी नहीं था। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों रोशन सिंह, बी है राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, ऑप्शन नंबर सी है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी है रामप्रसाद बिस्मिल। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भगत सिंह। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में रेणुका वेटलैंड नामक रामसर वेटलैंड साइड स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश या डी तेलंगाना। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक मापने में कितने प्रदूषकों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 12, बी 8, सी 4 या डी 6। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसे ऐसे ऑन पॉपुलेशन नामक अपनी रचना में जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत देने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एडम स्मिथ, बी है थॉमस रॉबर्ट्स माथुल्स, ऑप्शन नंबर सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेडरिक एंगल्स। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि थॉमस रॉबर्ट माथुल्स। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2020 में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए अशोक लवासा, बी दीपक पारेख, ऑप्शन नंबर सी किरण मजूदार शो, ऑप्शन नंबर डी आदि गोदरेज। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अशोक लवासा होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, डोलामाइट का एक अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम, बी मैग्नीशियम, सी सोडियम या डी पोटेशियम। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा मैग्नीशियम यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पृथ्वी की ठोस परत में धातु की प्रचुरता की दृष्टि से लोहा किस स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर ए पहला, बी तीसरा, सी चौथा या डी दूसरा। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दूसरा होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राज्य सेवा में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इब्न बतूता, बी मार्को पोलो, सी अल मसूदी या डी निकोला कोंटी। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो होगा हमारा इब्न बतूता यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश या डी कर्नाटका। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा,
ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 से 2020 रैंकिंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे प्रसिद्ध वेस्टलैंड ब्रांड है, टाटा, SCL, रिलायंस या LIC? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा टाटा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 55, सी अनुच्छेद 54, डी अनुच्छेद 58। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 52 जो है उसमें कहा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन इनमें से किस पर सिफारिश करने के लिए किया गया था, मौलिक कर्तव्य, चुनाव सुधार, पुलिस सुधार या केंद्र राज्य संबंध? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चुनाव सुधार। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 38, सी अनुच्छेद 44 या डी अनुच्छेद 42। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों होगा हमारा आर्टिकल 38। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यादाम्बो की संधि द्वारा कब्जा कर लिया गया था? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, बी असम, सी लद्दाख या डी कश्मीर? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा असम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खिलाड़ी हैं? ऑप्शन नंबर ए मंजू रानी, बी जामुना बोरो, सी लसराम सरिता देवी या डी अंजुम मैदगिल? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंजुम मैदगिल। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राजकीय पक्षी है? ऑप्शन में ए एशियाई कोयल, बी ग्रेट इंडियन बेस्ट, सी सारस क्रेन, ऑप्शन नंबर डी भारतीय रोलर? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रेट इंडियन बेस्टर्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार दिल्ली में संपत्ति के पंजीकरण में 10 दिन लगते हैं? ऑप्शन नंबर ए 96 दिन, बी 68 दिन, सी 49 दिन या डी 31 दिन? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 49 दिन। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कैलावेराइट नामक खनिज एक टेलुराइट खनिज है जिसमें क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए चांदी होता है, बी जस्ता होता है, सी तांबा होता है या डी सोना होता है? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोना होता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा निम्नलिखित में कौन पुष्प पुष्टि मार्ग नामक शक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वल्भाचार्या।